दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको भगवान कृष्ण जी का अनमोल वचन सुनाने वाले हैं, जो आपके जिंदगी को बदल सकता है। तो ध्यान से सुने और फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प फल जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है और न ही इसे कभी जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करें। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मेरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे, अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए।